हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन एंड गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे RRB PO का मेंस मॉक नंबर 2। हमने पहले किया था और इस वीडियो में मेंस का जो मॉक 2 हम करने वाले हैं उसका रीजनिंग का पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। 30 मिनट्स देंगे हम, ठीक है। 30 मिनट्स के हिसाब से हम हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। तो 30 मिनट क्वांट को, रीजनिंग को, और 30 मिनट्स ही मैं हिंदी को देता हूँ, तो फिर कंप्यूटर और GS को, कंप्यूटर को 10 मिनट, GS को 20 मिनट। तो इस हिसाब से मैं करता हूँ। लैंग्वेज पेपर में हिंदी सेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में, देखते हैं हमारा कितने अटेम्प्ट हो पाते हैं 30 मिनट्स में। और सबसे पहले छोटे क्वेश्चंस करने हैं, पजल वगैरह बिल्कुल भी नहीं उठानी, ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखना। 40 क्वेश्चंस हैं, ओनली फ्यू लैम्प वाइट, सम वाइट आर नॉट ब्लैक, ओनली फ्यू ब्लैक इज रेड। तो फिर है ऑल वाइट आर रेड, ऑल वाइट इज रेड नहीं पता। सम लैम्प आर नॉट ब्लैक, सम लैम्प इज नॉट ब्लैक, ये भी नहीं पता, ठीक है। ऑल रेड बिंग ब्लैक, ऑल रेड बिंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। सो ओनली थर्ड कहाँ है, ओनली थर्ड, और ओनली फ्यू क्लिप हेयर बैंड एंड ओनली हेयर बैंड रबर, तो रबर ही आ जाएगा। नो हेयर बैंड इज आई लाइनर, ठीक है। और सम क्लिप आर नॉट रबर, सम क्लिप इज नॉट रबर, सही है। सम रबर आर नॉट आई लाइनर, सम रबर इज नॉट आई लाइनर, ये भी सही है। ऑल आई लाइनर बिंग हेयर बैंड, ऑल आई लाइनर बिंग हेयर बैंड नहीं हो सकता, ऑल आई लाइनर इज हेयर बैंड नहीं हो सकता, ठीक है। ओनली वन और टू, बोथ वन एंड टू, ओके। फिर सम वोल्केनो मैग्मा, ओनली फ्यू मैग्मा डेंजर, सम डेंजर आर नॉट रिस्की, सम मैग्मा कैन बी रिस्की, सम मैग्मा कैन बी रिस्की हो सकता है। ऑल वोल्केनो बिंग रिस्की, ऑल वोल्केनो बिंग रिस्की इज अ पॉसिबिलिटी, सही है। नो मैग्मा इज डेंजर, तो ये गलत। ओनली वन एंड टू, ओके। 3 क्वेश्चन ही थे बस, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब हम डिसाइड करना है। ओ इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, ओ की डायरेक्शन में, ओ इज़ नॉर्थ, ओ इज़ नॉर्थ ऑफ एन, एन विच इज़ वेस्ट, ठीक है। यहाँ से पी, ओ की डायरेक्शन पता चल जाएगी फर्स्ट से। ओ इज़ वेस्ट ऑफ एस, ठीक है। एस इज़ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी, तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, इससे नहीं पता चलेगा, ओनली वन होगा। सो डाटा वन इज़ अलोन एफिशिएंट वाइल डाटा टू आर नॉट, ठीक है। फिर देखते हैं, हु इज़ टॉलेस्ट अमंग सिक्स फ्रेंड, ठीक है। अर्नव इज टॉलर देन राज बट शॉर्टर देन यश, ठीक है। सेकेंड में क्या बता रहा है, राजीव इज टॉलर देन अर्नव और बट शॉर्टर देन यश। थर्ड में है आदित्य इज टॉलर देन अभिषेक बट शॉर्टर देन राज, ठीक है। अगर राज का ये लें तो इधर 1 2 3 4 5 5 हो गए, तीनों मिलके बनाएंगे, इसके बीच में फिर ये राजीव आ जाएगा, तीनों मिलके बता सकते हैं, या फिर तीनों तो बता सकते हैं। और क्या हो सकता है, राज आदित्य अभिषेक, ठीक है। तो भाई इसका तो तीनों मिल के ही बताएंगे। हु इज थर्ड टॉलेस्ट, राजयोग आदित्य और ये सब, ठीक है। तीनों के तीनों बताएंगे मिलके कहाँ है, ऑल थ्री, ऑल आर नीडेड। और फिर है नेक्स्ट, तो ये है हाउ विनुता इज रिलेटेड टू विनय, रमेश हैज़ ओनली टू ब्रदर एंड वन सन, तो रमेश हैज़ ओनली टू ब्रदर, एक ही हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा और एक सन है इसका, ठीक है। रमेश इज़ द हस्बैंड ऑफ लीला, तो रमेश हस्बैंड हो गया, अलग लिखते हैं।
रमेश इज हस्बैंड ऑफ लीला, ठीक है। विनुता इज सिस्टर ऑफ लीला, विनुता इधर हो जाएगी सिस्टर। एंड फिर लीला इज द मदर ऑफ विनय, तो लीला इधर विनय हो जाएगा, ही इधर विनय। लीला इज द मदर ऑफ विनय, विनुता इज मैरिड टू रवि। तो इन दोनों को बताना था, तो इससे पता चल गया टू और थर्ड, टू और थ्री, दो और तीन से हम निकाल सकते हैं। और फिर ये क्वेश्चन, ठीक है, ये बाद में देखेंगे, ये देखते हैं अब हम। आर इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ जे, इधर जे हो गया। पॉइंट एस इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एम, एस और एम का नहीं पता, एच और एस का भी नहीं पता, एम और आर ही रहा। एम इज 7 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आर, एम हो गया 7 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आर, और एम का ऊपर था ना। एस इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एम, ये हो जाएगा 4 मीटर एस। और फिर है एच इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एस, 10 तो मतलब 7 ही हो गया, 3 और आ जाएगा इधर, एच हो गया। और फिर पी इज 6 मीटर, पी है क्या, पी और एफ नहीं पता, डी और एस, तो डी क्या है, डी 4 मीटर ईस्ट ऑफ एस, एस का है 4 मीटर, तो मतलब ये इधर हो जाएगा 4, डी इज 4 मीटर ईस्ट, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 6 10 था ये। फिर पी और एफ का अभी नहीं पता चलेगा, एफ और डी, एफ 4 मीटर साउथ ऑफ डी, एफ 4 मीटर साउथ, तो इधर हो जाएगा एफ, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। तो एन इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ एच, एन 3 मीटर, तो 3 मीटर इधर आ जाएगा एन। और एक ऊपर छोड़ा था ना पी 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, पी 6 मीटर नॉर्थ, तो 2 इधर, इधर आएगा पी, क्या बन रहा है ये। यू इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ डी, 6 यू 6 किलोमीटर साउथ ऑफ, 6 किलोमीटर डी एरा 6 किलोमीटर साउथ, तो 2 नीचे आ जाएगा, यू इधर आ गया। आई थिंक हो गए पूरे, देखते हैं क्वेश्चन। अ डिस्टेंस बिटवीन जे एंड पी, तो जे और पी एरा इसका डिस्टेंस कितना, 3 का, तो ये बताना। एस यू डी, एस यू डी, फिर एन एच, एन एच, तो ये तीनों एक लाइन में, यू गलत है। वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एस फ्रॉम पॉइंट यू, एस पॉइंट यू, साउथ सॉरी नॉर्थ वेस्ट के, सो वो ये क्या है, 8% ट्रेवल, ठीक है बाद में देखेंगे इसे। केरा ए ग्रेटर देन वाई, ए ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन वाई, सही है। और आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये गलत हो जाएगा। ई ग्रेटर देन आर, ई ग्रेटर देन आर, ये भी गलत, ओनली 1। 7 ग्रेटर देन 8, 7 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 6, 7 ग्रेटर देन 8, 7 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 6, 6 ग्रेटर देन 8, ये सही है। 9 और 4 इक्वल नहीं होंगे, 4 ग्रेटर देन 9, 4 ग्रेटर देन 9, ये भी नहीं होगा, तो ओनली 1 होगा, ओनली 1 आइदर हो रही है, देखते हैं। 9, 4 ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 6, 6 ठीक है, हाँ इधर हो रहेगा। U ग्रेटर देन Q, तो U है इधर, ग्रेटर देन ये हो ही नहीं सकता, तो गलत। R इक्वल टू T, R P, P इक्वल टू T, और P R ग्रेटर देन, R ग्रेटर देन, ये आइदर और हो गया 2 और 3 में। U ग्रेटर देन सही है कि यू ग्रेटर देन तो है ही नहीं, नहीं हो सकता, आइदर और ही जाएगा। ओके, ये हिंदी में कैसे आ गया, ठीक है, अच्छा हिंदी इंग्लिश सेम, ठीक है। ओके, सो कितने क्वेश्चन हुए हमारे, 12 छोटे, और फिर एक ये भी है। तो सिंस द अर्लीस्ट डेज ऑफ टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ बीन ब्लेम टेकर, ओके, टुडे पेरेंट्स फियर दैट वायलेंट मूवी सीन्स एंड द गेम सिनेरियोज
will breed anger, aggression and violence and transform their kids into lawbreakers. Assumptions kya kya hai iski? People of the bygone era depended on television for their entertainment. सही बात से parents wants good for their children. दोनों ही ठीक सी लग रही है मुझे तो, बोथ कर देते हैं. और ये क्या है, ये नहीं पता, देख लेते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डिजिटल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया. बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अटेंड सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर्स इननंबरेबल अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर इंडिविजुअल एंड एनहेंस टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन एम्प्लॉयड बाय देयर पावरफुल नेशन ऑलरेडी. द GDP ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ AI. इंडिया वॉज ए लैगिंग बिहाइंड अर्लियर. AI वॉज इवेंचुअली रिप्लेस ह्यूमन. इसमें तो ऐसा बात ही नहीं कर रखी रिप्लेस ह्यूमन की. इकोनॉमिक ग्रोथ की तो दे रखी है, ये GDP का आना चाहिए शायद से, ये नहीं पता. और फिर ये देखते हैं एक बार, तो कोड इनके 53#6 दोनों में सेम है कोई वर्ड कॉमन? ब्यूटीफुल, फ्लावर्स लाइक रोजेज है तो एक भी नहीं, तो अलग अलग ही बनेंगे. ठीक है, एस वाई देखते हैं कैसे बना. वाई पीछे है, दो इसमें पीछे हैं, एच और एन, इसका मतलब 43#7 ये एच है, तो इसमें से ये लास्ट वर्ड हो गया. ठीक है, और फिर सिंबल्स का क्या है, परसेंटेज एट द रेट एंड हैशटैग सारी है. सब में एक चीज़ नहीं, नहीं इसमें नहीं कॉमन ही. ठीक है, तो वाई ओ, दो वर्ड का है ये, इसमें ये हो गया, इसमें भी माई है तो ये कॉमन हो गया. तो इसका फ्लोवर का बताना है हमें, तो फ्लोवर तो इसमें है तो सिर्फ इसी में है. ठीक है, 53 फ्लोर का एस तो आएगा इसमें. ठीक है, लेकिन 75 और 53 इनमें से होगा. इन दोनों में से ही होगा 53S. 53S इसमें भी है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है. ब्यूटीफुल फ्लोर भी नहीं है, लाइक भी नहीं है, रोजेज भी नहीं है. 3, 2, 5 और फ्लोवर्स, ब्यूटीफुल किसी में भी नहीं है. फ्लोवर्स तो है, था ना फ्लोवर्स, तो ठीक फ्लोवर्स का ही तो निकालना है हमें. लाइक भी नहीं है, रोजेज भी नहीं है, तो 53 और फिर 75. 7 किसका है, जी 7 होता है, 3 पर सी, तो फिर 40 ये भी हो सकता है, सॉरी एन ही होगा सिर्फ पीछे, और एन सिर्फ इसमें है तो एन ये हो जाएगा 484 ये हो जाएगा. और गार्डनिंग का, गार्डनिंग कहाँ पर है, इसमें है एक जी आएगा सिर्फ, तो जी सिर्फ इसी में 96@g 96 ही है 96@g. और बाय का बताना है,
वाई तो आएगा ही, बाय है क्या इसमें, बाय इसमें तो है ही नहीं। 22 ये माई का इसने बनाया कैसे है, वाई का उल्टा मतलब वाई का अपोजिट और फिर उसका 22 इस तरीके से, नहीं सो 22 वाई तो होगा नहीं, ये तो होने से रहा, इसका भी नहीं पता चला भाई। ट्रैवल सो ट्रैवल इसमें ट्रैवल भी नहीं है, ट्रैवल का आएगा एल आएगा लास्ट में, तो 64 काफ़ी ज़्यादा है, तो डिफ़िकल्ट सा हो गया। फ्लोवर का देखते हैं दोबारा से एक बार, इनके यार पता ही नहीं चला कैसे होगा। ठीक है तो अपने इतने क्वेश्चंस ही हुए और फिर पजल देखते हैं अब हम एक। देर आर एट फ्रेंड्स, ठीक है तो यही कर लेते हैं सबसे पहले। देर आर एट फ्रेंड्स ट्रैवलिंग ऑन द डिफरेंट कंट्रीज, मंथ दे रखे हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है क्वेश्चन देखते हैं। एम इज ट्रेवलिंग आफ्टर एटलीस्ट 6% एंड हिज गोज टू स्पेन, 1 2 3 4 5 6। तो एम इधर आ सकता है स्पेन या फिर एम इधर स्पेन, ठीक है। मोर देन 4% गोज बिटवीन एम एंड एल, एल ये बाद में देखते हैं, एम और एल, 1 2 3 4, तो मोर देन 4 5, तो एल आ जाएगा इधर, 1 2 3 4 5, तो एल इधर आ सकता है या फिर एल इधर भी आ सकता है। एम स्पेन और एल हु गोज जस्ट बिफोर ओ, आ गया इधर, एन गोज टू ऑस्ट्रेलिया बट नॉट इन द मंथ ऑफ, तो 30 में जाएगा ये, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, जुलाई, अगस्त हो गया सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो 30 वाले में जाएगा, इसमें इधर आएगा नहीं, इधर इधर काफ़ी जगह बची हुई है अभी। फिर क्या है, 4% आर ट्रेवलिंग बिटवीन द पर्सन हु इज ट्रेवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्वे, 1 2 3 4, और भी आ जाएगा 4 छोड़ के। तो फिर अब देखते हैं, 1 1 2 3 4 इसमें आएगा नहीं, और फिर ना ही इसमें आएगा ना इसमें आएगा, बच गए सिर्फ या तो ये या फिर ये दो, एन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 1 2 3 4, 4 हो गया, इधर नॉर्वे आ जाएगा, तो इसमें ऊपर आ नहीं सकता, एन ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4, इधर आएगा नॉर्वे, ओके सो इधर आ सक, इधर 1 2 3 4 इधर आएगा नहीं, ठीक है, फिर इधर ही आएगा एन ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4, नॉर्वे इधर आ जाएगा। फिर क्या है, के इज़ ट्रेवलिंग जस्ट आफ्टर द पर्सन गोज फ्रॉम इंडिया, गोज टू इंडिया जस्ट आफ्टर, ठीक है। ओनली 1% ट्रेवलिंग बिटवीन द पर्सन हु गोज टू जापान एंड नॉर्वे, नॉर्वे और जापान इधर, उस नॉर्वे एंड जापान, तो इधर आ जाएगा जापान, और एल इज़ नॉट ट्रेवलिंग टू जापान एंड फ्रांस, एल जो कि जापान तो आया नहीं, तो फ्रांस भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ओनली 2% गोज द पर्सन हु बिलोंग्स टू फ्रांस एंड द पर्सन फ्रांस एंड पी, he who is traveling after France,
फ्रांस इधर एक दो 2% छोड़ के आ गया, और एल में आएगा नहीं फ्रांस, तो फ्रांस इधर एक दो पी इधर आ जाएगा, है ना। और पी डिडंट डिड नॉट गो इन द मंथ हैविंग 31st, तो पी आएगा 30 में, तो इसी को बनाते हैं पहले, पी इधर ले लेते हैं, पी आ गया, पी इधर भी तो आ सकता है लेकिन दो छोड़ के फ्रांस उधर आएगा नहीं, तो पी इधर एक दो फ्रांस आ गया इधर, फिर कहाँ आएगा पी इधर एक दो फ्रांस नहीं बनेगा, पी इधर एक दो फ्रांस इधर आ जाएगा, और फिर पी इधर एक दो नहीं बनेगा, पी इधर आ जाएगा एक दो फ्रांस इसमें आ नहीं सकता, मना किया था, ठीक है। तो एल फ्रांस ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, फिर आगे क्या है, ओनली 2% आर ट्रेवलिंग बिटवीन द पर्सन बिलोंग्स टू, ये हो गया हमारा, द पर्सन हु इज ट्रेवलिंग टू जर्मनी गोज बिफोर, जर्मनी गोज बिफोर इटली, और फिर क्या, पर्सन जे इज ट्रेवलिंग आफ्टर, जे इज आफ्टर क्यू, सो जे, और ये बनाते हैं हम, इंडिया, इंडिया इधर आ नहीं आ सकता, इंडिया इधर एंड के इधर आ जाएगा, इंडिया के नहीं बनेगा, तो इंडिया इधर ही आएगा, इंडिया के, और फिर क्यू और इधर जे आ जाएगा, इधर क्यू जे, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और इटली और जर्मनी एंड फिर इटली, जर्मनी इटली, क्यू इज़ नॉट ट्रेवलिंग द मंथ ऑफ जनवरी, तो क्यू ये ख़त्म, ये बन गया हमारा सही, ट्रैवलिंग अक्टूबर में देखते हैं, तो के जापान की, हु इज़ द ट्रेवलिंग टू इटली, सो इटली में कौन जा रहा है, क्यू। हाउ मैनी पर्सन आर ट्रेवलिंग बिटवीन एम एंड एन, 1, 2, 3, हु इज़ ट्रेवलिंग जस्ट बिफोर द पर्सन इज ट्रेवलिंग टू जापान, जापान जस्ट बिफोर, पी और इंडिया पी है, एन इज़ रिलेटेड टू जर्मनी, एन इज़ रिलेटेड टू जर्मनी इन द सेम रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर एक और पजल देखते हैं, कौन सी देखें, तो ये कौन सी है, 11 बेंचेज है, 1 to 11 डिफरेंट फ्लैट, ठीक है, 8 स्टूडेंट्स हैं, 3 नहीं हुई है, वैकेंट वाली मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी। फिर ये देखते हैं, देर आर 8 स्टूडेंट्स एच द सेम क्लास, देर आर 8 डिफरेंट फ्लोर्स, द फ्लोर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टू, ठीक है, रोल नंबर है इनके, ये बनाते हैं, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। फिर देखते हैं, 1 से 40 तक इनके रोल नंबर है, द पर्सन गोज हुज रोल नंबर 30 लिव्स 3 फ्लोर बिलो बी, 1, 2, 3 हो जाएगा इधर, तो 30 इधर आ जाएगा, ए इज, ए लिव्स 6 फ्लोर अबोव ई एंड द डिफरेंस, तो ए 6 फ्लोर, ए इधर मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स फ्लोर अबोव ई, तो ए और इधर आ जाएगा, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रोल नंबर इज, ए और ई का है 3 का डिफरेंस, सी इज 4 फ्लोर बिलो जी, 1, 2, 3 जी, ठीक है, सी इज 4 फ्लोर बिलो जी ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन एंड हिज रोल नंबर इज 30% लेस देन दैट ऑफ डी, तो सी का जो रोल नंबर है 30% लेस है डी से, तो फिर 2% लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच, 2% लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ए एंड एच, ए एंड एच एंड हैव, एंड द रोल नंबर ऑफ एच इज 5 टाइम्स ऑफ द रोल नंबर ऑफ ए, एच इज 5 टाइम्स ऑफ रोल नंबर ऑफ ए, ठीक है, इन द डिफरेंस, द डिफरेंस इज 20, तो डिफरेंस दिया है, मैथ लगा देते हैं इधर, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5,
25 आ गई एच की, और ए की कितनी आ जाएगी, 5, ए का 5 आ गया। ठीक है, ये कैंसिल करते हैं। अब ए और ई का डिफरेंस इसने दिया था 3, तो 3 या तो ई की होगी 2 या फिर होगा 8। ठीक है, आगे देखते हैं, छोड़ो। द एवरेज ऑफ द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हुज फ्लोर नंबर इज 378, 378, तो इनका है 10, यानी कि 30 हो जाएगी, इनकी होगी 30। द एवरेज ऑफ द रोल नंबर ऑफ एफ एंड ई, एफ प्लस ई 18, 9 × 2 = 18। एंड द रोल नंबर ऑफ डी इज थ्राइस ऑफ द रोल नंबर ऑफ एफ, रोल नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू द रोल नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट लिव्स इन फर्स्ट एंड फिफ्थ। अब ये बनाना पड़ेगा मुझे, तो जी और सी का देखते हैं। सी इवन पे आएगा तो सी इधर आएगा नहीं, सी इधर, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। सी इधर आ सकता है, 1, 2, 3, तो जी इधर आ जाएगा। अब क्या करें, ये हमारा कैंसिल कर देते हैं, इसको हटाते हैं सबसे पहले, और फर्स्ट और इसका फिफ्थ पर है ये एफ और ई 18 है, इधर से ये दे रखा है, तो ए और ई इधर लगाते हैं। अब देखते हैं फिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, या तो ई की होगी 2 या फिर होगा 8। ठीक है, इसको कट करते हैं यहाँ से, और बी 1, 2 इधर आ सकता है, सी 30। अब मान लो, क्या माने, इधर दे रखा है डी की वैल्यू 3, इधर दे रखे डी की वैल्यू 10, 3 और 10 का मल्टीपल ही होगी, तो 30 अगर इसकी हो गई, मान लेते डी की 30, तो एफ की होगी 10, एफ की 10 होगी तो ई की हो जाएगी यहाँ से 8, और सी की डी की 10 है, 3 × 7 = 21, सी की होगी 21 में भी हो जाना चाहिए। देखते हैं, ई की है अगर 8 तो सी की 21, डी कहाँ आएगा, एफ। अब देखते हैं बी इधर आया 1, 2, 30, इधर आ गया डी, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, और ई आ गया ये, एफ आ गया 10, ये भी ख़त्म, और जी आ जाएगा फर्स्ट और फिफ्थ, फर्स्ट है ये, फिफ्थ पर है ये 38, एक बच गया। अब इसकी क्या आएगी भाई, बी की वैल्यू, बी हमारा कितना आएगा, व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, 1, 2, 3, 10, हु लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर, बी है। ठीक है, विच इज ट्रू, ए हो गया 8 पर नहीं है, ई 3rd पर नहीं है, डी 5th पर, ये सही है, वो देख लेते हैं, सी 4th पर नहीं है, और जी 2nd पर नहीं है, सही बनाया हमारा मतलब। ठीक है, हु लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, 1, 2, H 25, 13, ये व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु लिव्स ऑन द 1st and 5th, 1 and 3 हो जाएगा 19, 38 का, तो फिर कितना हो गया हमारा, ये क्वेश्चन रह गया एक, तो ये नहीं करेंगे ये, और एक ये भी रह गया, नहीं हो पाएगी पजल, तो ये मुझे नहीं आता यार, ये समझ में नहीं आया। फ्लोवर का देखते हैं दोबारा, फ्लोवर्स लाइक का है जैसे, तो लाइक लाइक एक तो कोड हो जाएगा इसका ई, लास्ट में ई आएगा ये, 42% किस नाम का आया ये, 2 समझ में नहीं आया मुझे, तो 12 आएगा, 9 जे के 11 ई 5, तो 20 हो गया, 20, 30, 35, 36, 37 आया,
अगर इधर देखें WUVW23 21 T U V W T20 21 22 23 हो गई 23 और 9 इधर यहाँ से T20 H8 8 17 3 5 4 सॉरी 12 6 62 नहीं बनना भाई 43 नहीं समझ में आया गाइस ये तो मुझे ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हुए हमारे तो ये हुआ रीजनिंग में एंड फिर हम करेंगे अब मैं हिंदी का अटेम्प्ट कर लूँगा मेरा ठीक है। फिर बाद में कल जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगा मैं उसमें क्वांट और कंप्यूटर दोनों का डालेंगे ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोज करते हैं 30 मिनट्स हो गई है टाइम ज़्यादा ऊपर जा रहा है ओके सो बाय बाय थैंक यू।